गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास आई होप यूर आर फाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेवन दैट इज एक्सरसाइज सेवन पॉइंट ट्वेल्व एंड टूडेज़ टॉपिक इज़ डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिविजन ऑफ फ्रैक्शन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लास्ट वीडियो में हमने जो डिविजन की थी वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू की थी आज हम डिविज़न करेंगे डिवाइड करेंगे अ फ्रैक्शन बाय अनादर फ्रैक्शन ओके डिविज़न एंड मल्टीप्लीकेशन आर इनवर्स ऑपरेशन यू ऑल नो दैट डिविज़न और मल्टीप्लीकेशन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है इनवर्स ऑपरेशन है सो डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय द रेसी ब्रॉकल ऑफ द फ्रैक्शन जैसे हम हाँ, मल्टीप्लाई में हमने सॉल्व किए थे फ्रैक्शन के क्वेश्चन सिमिलरली हमको डिविजन में भी सॉल्व करना है इसमें क्या होता है लेकिन जो आपका जो सेकंड वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम ऐसे प्रॉपर कर देते हैं ओके सो लेट्स सी हाउ टू डू डिविजन इन फ्रैक्शंस योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज इज डिवाइड एंड द क्वेश्चन इज वन बाई टू डिवाइड थ्री

नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा हम डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन से वन बाय टू मल्टीप्लाई ओके और जो हमारा ये डिविज़र है इसको हम रेसी प्रोकल कर देंगे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का प्लेस इंटर डिजर्ट्स जो होती है वो इंटरचेंज कर देते हैं तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा डिवीज़र है उसको रेसीप्रोकल करेंगे तो थ्री बाय वन का रेसीप्रोकल आपका आएगा वन बाय थ्री ओके अब आप चेक करोगे इसे जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किए थे सेम वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आपको पहले इसे चेक करना है कि ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा है सेम टेबल पर अगर नहीं हो रहा देन यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर हेयर वन मल्टीप्लाई वन इज टू वन and 2 multiplied 3 is equal to 6 so our answer is 1 by 6 see one more question 5 by 8 divide 7 by 9 okay in the second step we will replace divide sign by a multiplication sign so first of all write down 5 by 8 multiply and reciprocal the divisor जब हम सेवन बाय नाइन को रेसी डॉकल करेंगे देन आंसर विल बी नाइन बाय सेवन अब आपको क्रॉस चेक करना है कि ये कट रहा है या नहीं ये आपका नहीं कट रहा कोई भी इसमें कॉमन आपका फैक्टर नहीं है सो वी विल मल्टीप्लाई फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव एंड एट सेवन ज फिफ्टी सिक्स ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव वन बाय टेन डिवाइड बाय सिक्सटीन In this question, in the second fraction, denominator is not given, so we will write 1 as a denominator first. And our first fraction is mixed fraction. This question we first fraction is our mixed fraction. So first of all, convert the mixed fraction into improper fraction. 10 fives are 50, 50 plus 1, 51 by 10. Divide 16 by 1. Now replace division sign with the मल्टीप्लीकेशंस आए फिफ्टी वन डिवाइड बाई टेन मल्टीप्लाई और हम डिविजन को क्या करेंगे रेसी प्रॉकर वन बाई सिक्सटीन ओके अब हम इसे भी क्रॉस चेक करेंगे ये भी आपका कट नहीं होगा और आपका आंसर आएगा फिफ्टी वन डिवाइड बाई वन हंड्रेड सिक्सटी ओके सी वन मोर क्वेश्चन टू थ्री बाय सिक्सटीन डिवाइड फाइव फाइव बाय एट इन दिस क्वेश्चन बोथ फ्रैक्शंस आर मिक्स फ्रैक्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इन टू द इम प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले हम इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सिक्सटीन टू द थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस थ्री थर्टी फाइव बाय सिक्सटीन डिवाइड फाइव एय दटी फोर्टी प्लस फाइव फोर्टी फाइव बाई एट ओके अब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन आपका एज इज़ आएगा डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस किया और जो आपका डिविज़न है उसको रेसी प्रोकल करेंगे सो आपका आंसर आएगा एट बाई फोर्टी फाइव अब आपका ये रहा है एट वन ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन ये भी आपका फाइव के टेबल में जाएगा दोनों डिविजिबल हैं फ़ाइव से फाइव सेवन ज़ा फोर्टी थर्टी फाइव एंड फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव तो हमारे न्योमिनेटर में डिजर्ट्स बची है सेवन मल्टीप्लाई वन और डिनोमीटर में हमारा है टू मल्टीप्लाई नाइन स सेवन वन ज सेवन एंड टू नाइन ज़ा एटीन सो आंसर इज सेवन बाय एटीन ओके सो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज सेवन पॉइंट ट्वेल्व यू हैव टू डू ओनली फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज If you have any query you can ask in your WhatsApp group. Okay. Thank you and have a nice day.